हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू द राणा एकेडमी सो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने चैप्टर थ्री का जो पार्ट बी है उसकी थ्योरी हमने डिस्कस कर ली थी आज के लेक्चर के अंदर हम उसी की एक्सरसाइज एक्सरसाइज थ्री बी के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि नेम द फिजिकल क्वालिटी विच कॉजेज मोशन इन अ बॉडी सो so, देखिए आपको मैंने पहले भी ये बारे में कहा था कि न्यूटन का पहला लो कहता है कि इफ अ बॉडी इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट इफ इट इज इन मोशन इट इट विल रिमेन इन मोशन अनलेस सम एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इसका मतलब है कि वो फिजिकल क्वांटिटी जो किसी बॉडी के अंदर मोशन को प्रोड्यूस करेगी उसका नाम है फोर्स तो जो फोर्स है वो है इसका राइट आंसर आई होप आपको ये आंसर समझ में आ गया होगा तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस फोर्स नीडेड टू कीप अ मूविंग बॉडी इन मोशन आंसर है इसका नो no. देखिए गैलीलियो से पहले जितने भी साइंटिस्ट थे उनका यह मानना था कि अगर किसी बॉडी को हम मूव करवाने के लिए फोर्स का इस्तेमाल करते हैं तो उसकी मोशन को मेंटेन करने के लिए हमें लगातार फोर्स प्रोवाइड करनी पड़ती है बट गैलीलियो ने यह बात समझा दी थी कि फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है सिर्फ बॉडी के स्टेट को चेंज करने के लिए अदरवाइज बॉडी जिस स्टेट में होती है वो उसी स्टेट में ही रहती है मतलब अगर वो रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहेगी अगर वो मोशन में है तो फिर वो मोशन में ही रहेगी आई होप आपको ये वाला आंसर समझ में आ गया होगा तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है अ बॉल मूविंग ऑन ए टेबल टॉप इवेंचुअली स्टॉप एक्सप्लेन द रीजन तो देखिए आंसर है इसका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन देखिए जब हमारी जो बॉल है किसी ये मान लो टेबल टॉप है तो ये हमारे पास बॉल है जब इस टेबल टॉप पर ये बॉल मूव कर रही होती है तो जो फ्रिक्शन है बिटवीन द बॉल एंड द टेबल टॉप वो एक्ट करता है इस बॉल के ऊपर इन अपोजिट डायरेक्शन इन अपोजिट डायरेक्शन जिसकी वजह से ये जो धीरे धीरे है वो आपका रुक जाता है क्लियर हो गया तो ये है इसका आंसर तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट so क्वेश्चन में कहता है बॉल इज मूविंग रिमेन स्मूथल देखिए सीधी सी बात है अभी हम बार बार वही चीज तो डिस्कस कर रहे हैं कि अगर मैं किसी बॉडी के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाऊंगा तो वो बॉडी जिस स्टेट में है वो उसी स्टेट में रहेगी ठीक है तो चलिए अब हम अपना

थे व्हाट इज मेंट बाय द टर्म इनर्शिया तो देखिए इनर्शिया के बारे में हमने पढ़ा था कि इनर्शिया एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है किसी बॉडी की सो so दैट कि अगर वो रेस्ट पे है तो वो अपने आप को रेस्ट पे रखना चाहेगी अगर वो मोशन में है तो वो अपने आप को मोशन में ही रहना चाहेगी ठीक है तो देखिए ये इसकी डेफिनेशन आ गई कहते द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ विच इट टेंड्स टू रिटेन स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया एंड इट इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ ईच ऑब्जेक्ट क्लियर चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कहते गिव द क्वालिटेटिव डेफिनेशन ऑफ फोर्स ऑन द बेसिस ऑफ न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन सो देखिए फोर्स इज दैट एक्सटर्नल कोर्स कोस टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट देखिए ये सब बातें हमने अच्छे से डिस्कस की हुई हैं तो अभी सिर्फ क्वेश्चन आंसर हम कर रहे हैं इसलिए फटाफट मैं इन सबके आंसर्स आपको दे रहा हूं क्लियर तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कहते हैं नेम द फैक्टर ऑन विच द इनर्शिया ऑफ ए बॉडी डिपेंड्स एंड स्टेट हाउ इट डिपेंड्स ऑन द फैक्टर स्टेटेड बाय यू सो देखिए सिंपल uh, सी बात है कहते हैं कि मास इज अ मेजर ऑफ इनर्शिया मतलब ये कि अगर किसी बॉडी का ये चेक करना है कि उसका इनर्शिया ज्यादा है कि उसका इनर्शिया कम है तो जिसका मास ज्यादा होगा उसका इनर्शिया ज्यादा होगा तो ग्रेटर द मास ग्रेटर इनर्शिया बी ओके तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं

ठीक है उसी तरह किसी भी लोडेड ट्रॉली को मूव करवाना और किसी अनलोडेड ट्रॉली को मूव कराने में बहुत डिफरेंस होता है लोडेड ट्रॉली के अंदर आपको ज्यादा फोर्स प्रोवाइड करनी पड़ती है बिकॉज उसका मास ज्यादा है तो उसका नशे है इज ओके okay? तो ये आपके मैंने एग्जाम्पल यहाँ लिख दी है अगर आप इसको प्रॉपरली देखना चाहते हो तो आप यहां पे देख सकते हो तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कहते हैं मोर द मास मोर डिफिकल्ट इज टू मूव द बॉडी फ्रॉम रेस्ट एक्सप्लेन द बाय एग्जाम्पल तो ये जो इसका सेकंड एग्जाम्पल है ना ये इसका बिल्कुल है कि मेरे पास एक लोडेड ट्रॉली है तो उसको मूव कराने के लिए मुझे ज्यादा फोर्स लगानी पड़ती है लेकिन एक अनलोडेड ट्रॉली को मूव कराने के लिए मैं कम फोर्स लगाकर भी उसको मूव करवा सकता इज ओके okay? तो ये है इस क्वेश्चन का आंसर तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेम द टू काइंड ऑफ एनर्शिया देखो हमने पढ़ा था इसके बारे में सबसे पहला कौन सा होता है वो है आपका इनर्शिया ऑफ रेस्ट

अगर आप उसको डस्ट को हटाना चाहते हो तो हम उसको हैंग करते हैं उसको बीट करना शुरू करते हैं स्टिक के साथ द रीजन इज दैट कि जो आपके डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो एनर्जी ऑफ रेस्ट की वजह से वो उसी पोजीशन पर रहते हैं लेकिन जो कारपेट है वो आपका वाइब्रेट करता है एंड ड्यू टू ग्रेविटी एंड एनर्जी ऑफ रेस्ट जो आपके डस्ट पार्टिकल्स है वो नीचे गिरने शुरू हो जाते हैं ये मैंने अपनी थ्योरी के अंदर भी इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है सिमिलरली एनर्जी ऑफ मोशन के लिए हम यूज करेंगे साइक्स राइडिंग अलॉन्ट कम टू रेस्ट इमिडियर साइकिल चला रहा होता और से वो लगाना बंद कर देता है तो साइकिल ऐस तो ऐसा नहीं होता ना तो वो टाइम लेती है रुकने के लिए एंड वो रुकती भी सिर्फ इसलिए क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन उसकी एक्ट कर रही होती है और अगर वो ना एक्ट कर रही होती तो वो कंटिन्यूसली मूव कर रहा होता तो ये एग्जाम्पल है एनर्जी ऑफ मोशन का आई होप आपको यह आंसर समझ में आ गया होगा

रेस्ट में ही रहेगा क्लियर तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखते हैं इधर टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस एक्ट ऑन ए मूविंग ऑब्जेक्ट हाउ इज इट्स मोशन अफेक्टेड तो आंसर है मोशन ऑफ द बॉडी ऑफ द ऑब्जेक्ट बेसिकली यहां पे लिखा हुआ है इज नॉट अफेक्टेड एंड द रीजन इज दैट कि वही बात मेरी बॉडी कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है अगर तुम फोर्स एफ लगा रहे हो और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में उतनी ही सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लगा रहे हो तो नेट फोर्स क्या आ जाएगी आपकी नेट फोर्स जीरो आ जाएगी ना तो क्योंकि आपकी नेट फोर्स जीरो है तो इसका मतलब है कि ये जिस स्टेट में है वो उसी स्टेट में ही रहेगा तो क्योंकि वो एक कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो वो लगातार वेलोसिटी से ही मूव करता रहेगा इज दैट ओके सो द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नॉट अफेक्टेड इज दैट ओके जी तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कहते हैं एरोप्लेन इज मूविंग यूनिफॉर्मली एट ए कॉन्स्टेंट हाइट अंडर द एक्शन ऑफ टू फोर्सेज एक तो अपवर्ड लिफ्ट है देखिए मेरे पास कोई भी मान लो जी प्लेन है तो प्लेन के ऊपर एक्ट करता है एक तो अपवर्ड लिफ्ट अपवर्ड लिफ्ट और दूसरा नीचे की तरफ एक्ट करता है उसका खुद का वेट कहते हैं कि व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द प्लेन आंसर है जीरो अब मैं आपको बताता हूं इसका जीरो क्यों है क्योंकि तो मान लो जैसे कि ये प्लेन है आपका ठीक है अब ऊपर की तरफ एक फोर्स लग रही है नीचे की तरफ एक फोर्स लग रही है अगर ऊपर की फोर्स ज्यादा होती तो ये ऊपर जाता तो हाइट इंक्रीज करती अगर वेट ज्यादा होता तो वो नीचे की तरफ आता ठीक है तो हाइट हाइट डिक्रीज होती बट ये कांस्टेंट पे मूव कर रहा है तो उसका मतलब ये हुआ कि जितनी फोर्स फोर्स ऊपर लग लग रही है, उतनी फोर्स नीचे लग रही है है उतनी नीचे इसलिए जब हम नेट फोर्स के बारे में बात करते हैं तो मतलब होता है टोटल फोर्स तो इस केस में उसका आंसर क्या आ जाता है जीरो ठीक है आई होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता लग गया होगा तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहां पे आप देख सकते हो कि आपके पास 18, 19, 20, 21 और उसके सारे पार्ट्स मैंने इकट्ठे लिखे हुए हैं उसका रीजन ये है कि ये जितने भी क्वेश्चन है, uh, है तो आपने क्या करना है नोट्स को डाउनलोड कर लेना जो मैंने पिछले वीडियो में दिए तो एक काम करता हूं मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल देता हूं तो आप यहां से उसको डाउनलोड कर लीजिए और वहां पर इन सबके आंसर आपको आराम से मिल जाएंगे आई होप आपको ये क्वेश्चन के आंसर कहां मिलेंगे वो समझ में आ गया होगा ठीक है तो आज के लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज थ्री बी के जो सारे क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस कर लिया है आई होप आपको ये क्वेश्चंस और उनके जो आंसर्स हैं वो समझ में आगे होंगे तो आज के लिए बस इतना ही थैंक यू सो मच